हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी या ऑपरेशन रिसर्च का एक टॉपिक है, वो है लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन। हम लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, उसे ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो पढ़ते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले कुछ हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं उससे रिलेटेड, कि लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम में जो उसका डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले होता है प्रतिबंध। फ्रेंड्स, प्रतिबंध क्या होता है? हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन दी हुई होगी जिसमें हमारे पास x1 x2 डॉट डॉट xn, ये अपने पास कोई वेरिएबल है, इनके इनके मध्य में कोई हमारे पास एक प्रतिबंध दिया हुआ होगा, कि जिसमें हम असमीकरण भी हो सकती हैं, इक्वेशंस भी हो सकती हैं, इस तरह के जो भी हमारे पास प्रतिबंध होगा उसको हम कहते हैं प्रतिबंध। उसके बाद आता है अपने पास सेकेंड, आता है अपने पास वो है अपने पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अब फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, या इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन फ्रेंड्स ये क्या होता है? अपने पास ये होता है वह एक घातीय फलन जो कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के लक्ष्य को व्यक्त करता है, उद्देश्य फलन कहलाता है। इससे हम प्राय जेड से शो करते हैं, जेड बराबर इसमें कुछ भी हो सकता है। जेड को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के निकालने के लिए जेड मैक्सिमम निकालते हैं या जेड मिनिमम निकालते हैं, इस तरह का जो भी फंक्शन होगा वो अपने पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। इसके बाद आता है अपने पास थर्ड प्रतिबंध, जो आता है वो अपने पास नॉन नेगेटिव रजिस्ट्रेशन, नॉन नेगेटिव रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स ये क्या होता है? ये होता है अपने पास जो कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के उद्देश्य फलनों में जो कि चर होते हैं, यानी जो उद्देश्य फलनों में जो भी चर होंगे x1 x2 x3 इस तरह के चर होंगे हमारे पास, वो सभी हमारे पास नॉन नेगेटिव होने चाहिए, या तो जीरो होंगे या वो जीरो से बड़े होंगे, इस तरह के रिलेशन को कहते हैं हम नॉन नेगेटिविटी। अब फिर से आता है अपने पास मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एलपीपी। कोई हमारे पास एलपीपी होगी उसका मैथमेटिकल मॉडल क्या होगा? वो इस तरह से होगा हमारे पास ऑप्टिमाइज के लिए हमारे पास कोई फलन दिया होगा, जेड का फलन इस तरह से होगा c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस प्लस डॉट डॉट cn xn, इस तरह से होगा ये। एवं हमारे पास सब्जेक्ट टू कोई प्रतिबंध दिया होगा, वो प्रतिबंध जो होगा अपने पास वो इस तरह से होगा अपने पास a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट डॉट a1n xn इक्वल टू b1। ये इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है। ये लेस देन ग्रेटर देन किसी तरह का भी साइन हो सकता है। इसी तरह a12 x1 प्लस सॉरी a21 x1 a22 x2 प्लस डॉट 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 a2n xn, यहाँ पे हमारे पास कोई भी साइन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ये हो सकता है या इक्वल हो सकता है, तीनों साइन में से कोई भी साइन हो सकता है, इक्वल टू b2। इसी तरह से हमारे पास चलते हुए इसके हमारे पास m इक्वेशन होंगे, तो a m1 x1 प्लस a m2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस a m n xn, यहाँ पे हमारे पास कोई भी साइन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, कोई भी साइन हो सकते हैं, इक्वल टू होगा अपने पास b3। फिर इस तरह की जो इक्वेशन होगी हमारे पास, जहाँ पे साथ ही हमारे पास कंडीशन दी हुई होंगी कि xi > 0, i = 1 to n, मतलब i की प्रत्येक वैल्यू के लिए n के लिए जो x1 है x2 है डॉट 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 xn, ये सभी हमारे पास 0 से बड़े होंगे। ये हमारे पास इसका मैथमेटिकल रूप आ गया फ्रेंड्स। इसके इस तरह का हमारे पास कोई जो जो भी एक प्रॉब्लम होगी वो हमारे पास एक एलपीपी होगी। अब हम इसको देखते हैं इस अब फिर से हम इससे रिलेटेड कुछ और डेफिनेशंस पढ़ते हैं, वो डेफिनेशन कौन कौन से वो देखते हैं हम। फ्रेंड्स ये देखने से पहले हम ये देख लेते हैं अगर हम इस तरह की प्रॉब्लम को हम किस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम फ्रेंड्स जेड मैक्स इक्वल टू ct(x) सब्जेक्ट टू ax < का साइन हो सकता है b, या जेड मैक्स बराबर ct(x) ax > b, इस तरह की फॉर्म में हम लिख सकते हैं।
फिर इस तरह की फॉर्म में हम लिखते हैं तो ये भी हमारे पास एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है, जहाँ पर ए अपने पास क्या है, ए हमारे पास मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में अपने पास a11 a12 डॉट डॉट a1n a21 a22 डॉट 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 a2n am1 am2 amn, ये हमारे पास a है। और x बराबर है फ्रेंड्स हमारे पास ये है x1 x2 एंड xn तक। इसी तरह से b बराबर है अपने पास b1 b2 डॉट डॉट bm तक, ये है हमारे पास फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास आता है फिजिबल सॉल्यूशन, यानी कि इष्टतम सुसंगत हल। अब फ्रेंड्स सुसंगत हल क्या किसे कहते हैं? सुसंगत हल की डेफिनेशन है कुछ रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याएं रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं का एक ऐसा संघ के सॉरी समस्याओं के चरों के मान का एक ऐसा संघ जो कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में एलपीपी लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम में दिए गए सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। फ्रेंड्स हमारे पास कोई एक ऐसा संघ होगा जिसमें जिसके सभी जो हमारे पास उसे जो संघ जो भी अपने पास वेरी संघ में जो भी हमारे पास मान होंगे वो हमारे पास ऐसे होंगे कि जो रैखिक प्रोग्राम में समस्या होगी उसके सभी जो अपने पास प्रतिबंध हो उनको संतुष्ट करेगा। तो ऐसे ऐसे जो उनका मानों का जो संघ है वो हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? फ्रेंड्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास जेड मैक्स बराबर कुछ हमारे पास दिया होगा सी टी एक्स, ये इस तरह का हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर जेड मैक्स यानी जेड की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी, वो हमारे पास वो पॉइंट जिस पे हमारे जो ऑप्टिमल वैल्यू है जो सॉरी ऑब्जेक्टिव वैल्यू है वो हमारे पास मैक्सिमम आए, ऐसा जो ऐसी मान होगा वो अपने पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अच्छा फ्रेंड इसकी डेफिनेशन हम ऐसे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जो जेड मैक्स होगा या तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा वो या तो मैक्स होगा या मिनिमम होगा, मतलब ऐसे पॉइंटों का समूह जहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अपने पास वो तो या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो वो अपने पास जो पॉइंट होंगे वो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ अ एलपीपी। हमारे पास कोई भी एक एलपीपी दी हुई होगी उसका जो हम ग्राफिकल सॉल्यूशन है वो कैसे निकालते हैं, इसके फ्रेंड्स सबसे पहले हम वर्किंग रूल देखते हैं, हमें क्या क्या फॉलो करना होता है इसमें हम वो देखते हैं। सबसे पहले जो पहला रूल है अपने पास वो है अपने पास रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के जो भी अपने पास असमीकरण हैं इक्वेशंस हैं उनको फ्रेंड्स जो भी हमारे पास इनइक्वलिटीज़ हैं उनको इक्वलिटीज़ में इक्वेशंस में चेंज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई ये साइन हो या ये साइन हो उसको हम सबसे पहले इक्वल टू वाले साइन में चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास ये इसका रूल है, मेथड है। उसके बाद सेकंड होता है हमारे पास ये दोनों चेंज इसमें हो गए हमारे पास चेंज ये हमने कर लिए। उसके बाद सेकंड होता है हमारे पास जो हमारे पास 2D में होते हैं हमारे पास इसके बाद हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगे कुछ इक्वेशंस आ जाएंगी उन इक्वल टू में चेंज करने के बाद जो इक्वेशंस आ जाएंगी उन इक्वेशंस को हम 2D में हम शो कर देते हैं। 2D में शो करने के बाद फ्रेंड्स हम सिंपली 2D में शो करने के बाद कर दिया उसके बाद हम देखते हैं थर्ड नंबर आता है। थर्ड नंबर पर हम देखते हैं जो हमारे पास ये इक्वेशंस होंगी ये हमारे पास कोई इक्वेशन है तो हम इसको ये हमारे पास एक लाइन देगी ये हमारे पास इस तरह से कोई लाइन देगी जैसे ये हमारे पास 2D है और इसमें ये हमारे पास कोई लाइन थी। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सिंपली हम देखते हैं कि हम कोई इस लाइन से अलग पॉइंट
जो ऐसा पॉइंट देखते हैं जो कि इस लाइन पे नहीं हो, वो पॉइंट हम जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये पॉइंट उस लाइन पे नहीं है। हमने सिंपली एक एक्स एक्स पे एक पॉइंट मान लिया, इसको हम देख के इसको और जो जिससे रिलेटेड वो हमारे पास जो कि इक्वलिटी होगी उसमें हम देखते हैं, उसमें हम इसको पॉइंट को रखते हैं। अगर उसको सेटिस्फाई करता है, अगर सेटिस्फाई सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई कर गया है तो रीज़न जो होगा अपने पास रीज़न होगा वो पॉइंट की तरफ होगा, पॉइंट की तरफ। और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, तब हमारे पास जो रीज़न होगा वो होगा हमारे पास पॉइंट के अपोजिट, जो पॉइंट है उसके अपोजिट होगा। अब फिर से हम ये इसी तरह से हम इनका रीज़न निकालते हैं, बाकी की भी हमें और लाइन होंगी उनकी का भी इसी तरह से हम रीज़न निकालते हैं, और जो हमारे पास कॉमन रीज़न रहता है वो हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन होता है। अब फ्रेंड्स हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल इस तरह से है, सॉल्व करना है हमें मैक्स जेड बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू को, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, ये हमारे पास सब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, हमारे पास उद्देश्य फलन है अपने पास, ये हमें सॉल्व करना है। अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हम इसको ग्राफिकल मेथड से करते हैं भाई, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे फ्रेंड्स हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी इनइक्वलिटीज होती हैं इनको हम इक्वेशन से चेंज कर लेते हैं, ये जो समीकरण है इनको समीकरण हम चेंज कर दें, तो ये हो जाता है एक्स वन इक्वल टू 80, एक्स टू इक्वल टू 60, 5x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 600, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 160, और ये हमारे पास प्रतिबंध दिया हुआ है, इसको हम चेंज नहीं करना है। अब फ्रेंड्स ये देखते हैं हम यहाँ पे हम चेंज करने के लिए ये नहीं करेंगे कि हम इसमें सरप्लेक्स या सरप्लेक्स वेरिएबल जोड़ें, स्लैक या सरप्लेक्स वेरिएबल हमें नहीं जोड़ना है, इसमें हमें कुछ नहीं जोड़ना है, हमें सिंपली जो इक्वेशंस को इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में चेंज कर देना है, हमें ये करना है। हमने ये चेंज कर दिया तो इसके बाद हमारे पास कुछ इक्वेशंस आ गए, अब इसको हम 2D में हम शो कर देते हैं। अब 2D में शो करने के लिए इसको हम 2D ग्राफ बना लेते हैं फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास 2D ग्राफ इस तरह से। फ्रेंड्स ये हमारे पास 2D ग्राफ है, अब हम इसको शो कर दें, सबसे पहले हम x1 इक्वल टू 80 हम यहाँ पे लेके चलते हैं, 80 जैसे हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, या 50 लेके चलें, यहाँ हम लेके चलें 100, यहाँ पे 150, 200, 250 इस तरह से लेके चल रहे हैं, और इधर भी इसी तरह से यहाँ पे लेके चले हम 50, या 100, 150 सॉरी 200 इस तरह से लेके चलें। अब हम ये लेके चल रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम 80 है अपने पास, तो x1 इक्वल टू 80 क्या हो गया, ये x2 कुछ भी हो, इसका मतलब क्या है, x1 इक्वल टू 80 यानी x2 कुछ भी हो लेकिन x1 है जो अपने पास वो 80 है, तो इस कंडीशन में x1 इक्वल टू 80, क्योंकि x2 कुछ भी हो हमारे पास लेकिन x1 जो है वो 80 है। और ये अपने पास x2 इक्वल टू 60, x2 इक्वल टू 60 है तो इसका मतलब है x1 इक्वल टू कुछ भी हो हमारे पास x2 इक्वल टू 60 आएगा, x1 इक्वल टू कुछ भी हो लेकिन x2 इक्वल टू 60, तो वो ये लाइन हो गई फ्रेंड्स, ये लाइन हो गई, ये हो गई हमारे पास x2 इक्वल टू 60। अब ये लाइन आ चुकी है हमारे पास, अब हम निकालते हैं 5x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 600, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम सिंपली x2 इक्वल टू 0 रख देते हैं, x2 इक्वल टू 0 रखें, ये हमारे पास लाइन है 5x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 600। अब फ्रेंड्स इस लाइन पे हमें कोई दो बिंदु निकालने हैं, दो बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले हम x1 बराबर 0 रख देते हैं, x1 बराबर 0 तो x2 बराबर आ जाता है पर 100 ये आ जाता है, और अगर हम x2 बराबर 0 रखें तो x1 बराबर आ जाता है अपने पास, x2 बराबर 0 रखा तो ये आ गया अपने पास 120। फ्रेंड्स ये दो पॉइंट आ चुके हैं हमारे पास, ये फ्रेंड्स कौन कौन से पॉइंट है, x1 बराबर 0, x2 बराबर 100, एक तो ये पॉइंट है और दूसरा है हमारे पास x2 बराबर 0 और x1 120, ये पॉइंट है, तो फ्रेंड्स हम इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिला दिया, ये हमारे पास इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, वन इक्वेशन नंबर 1, 2
एंड ये थ्री। तो ये इक्वेशन नंबर थ्री की लाइन हो गई। हमारे पास ये अगली लाइन है वो है एक्स वन प्लस टू एक्स टू इक्वल टू 160, यानी एक्स वन प्लस टू एक्स टू इक्वल टू 160। पहले फ्रेंड्स हमने एक्स वन बराबर जीरो मान लिया, तो एक्स टू बराबर आ गया अपने पास 80। और अब इस बार एक्स वन बराबर निकालना है, एक्स टू बराबर हमने जीरो मान लिया। एक्स टू बराबर जीरो लिया है हमने, तो एक्स वन बराबर है 160। तो ये आ गया फ्रेंड्स एक्स वन बराबर 160 और एक्स टू बराबर जीरो। ये यहाँ पे आएगा कोई अपने पास पॉइंट, यहाँ पे फ्रेंड्स इन पॉइंटों को हम शो कर देते हैं। ये पॉइंट था अपने पास, ये था अपने पास 120 एंड जीरो, ये था अपने पास जीरो एंड 60, ये था अपने पास 100। और इसी तरह अब ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, एक तो आ गया 160 एंड जीरो, ये आ गया अपने पास 160 एंड जीरो, ये पॉइंट आ गया। और दूसरा पॉइंट आया हमारे पास एक्स टू इक्वल टू 80, तो एक्स टू इक्वल टू 80 यहाँ पे आएगा अपने पास। तो वो एक्स टू इक्वल टू 80 इस तरह से काटता हुआ, इसमें से काटता हुआ यहाँ पे गया है फ्रेंड्स, इस तरह से आ गया हमारे पास ये काटा है। अब फ्रेंड्स हम फेजिबल रीजन निकालते हैं। फेजिबल रीजन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे हमारे पास ये लाइन है, पहली लाइन क्या है एक्स वन इक्वल टू 80, तो ये एक्स वन इक्वल टू 80, तो हम एक्स वन इस लाइन के अलावा कोई भी बिंदु पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम अगर ये हमारे पास ये सेंटर से नहीं जा रहा, मूल बिंदु से नहीं जा रहा है, तो हम सबसे पहले मूल बिंदु को देखते हैं, जीरो जीरो हम इसको देखते हैं, जीरो जीरो को ये सेटिस्फाई करता है नहीं करता। जीरो जीरो इस पर रखते हैं, जैसे इसमें हमने जीरो और जीरो रखा, तो एक्स वन बराबर जीरो एक्स टू बराबर जीरो, तो जीरो आ गया, जीरो इज लेस देन 80 या राइट है ये हमारे पास। तो इस लाइन का जो रीजन होगा वो इस तरह से होगा फ्रेंड्स, ये रीज़न होगा हमारे पास इस लाइन का, ये रीज़न हो गया। अब हमारे पास देखते हैं सेकंड जो क्वेश्चन थी एक्स टू इक्वल टू 60, जो ये लाइन थी इसकी एक्स टू इक्वल टू 60। अब फ्रेंड्स ये भी हमारे पास सेंटर से नहीं जा रहा, तो हम सेंटर से ही चेक करते हैं। तो सेंटर पे जीरो जीरो रखते हैं, तो जीरो जीरो यानी जीरो लेस देन 60 सेटिस्फाई कर गया, तो हमारे पास इसका रीज़न होगा ये, इस तरह से ही होगा। अब फ्रेंड्स दूसरी क्वेश्चन है हमारे पास 5x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू 600, ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर थ्री इसी से बनी है। तो ये भी हमारे पास सेंटर से नहीं जा रहा, तो हम सेंटर से चेक करते हैं। सेंटर पे चेक करने के लिए सबसे पहले जीरो जीरो इसमें रखते हैं, तो जीरो और जीरो लेस देन 600 राइट बिल्कुल, तो ये भी सेंटर की तरफ हो जाएगा, ये आ गया सेंटर की तरफ। और अगला ये अपने पास एक्स वन प्लस टू एक्स टू लेस देन 160, लेकिन ये देखते हैं ये भी हमारे पास सेंटर से नहीं जाता, ये भी हम सेंटर पर चेक कर लेते हैं, जीरो जीरो लेस देन 160, तो ये भी अपने पास ये आ गया फ्रेंड्स। इसमें हम देख सकते हैं जो सभी का जो फेजिबल रीजन आ रहा है, इसलिए इसका ये आ रहा है, ये इस तरह से ये मिलता हुआ आ रहा है, और साथ ही दिया हुआ है एक्स वन एंड एक्स टू ग्रेटर देन जीरो ये। तो फ्रेंड्स अपने पास जो फेजिबल रीजन आ गया वो ये आ गया अपने पास, ये हमारे पास फेजिबल रीजन है, इसको हम देते हैं ए बी सी डी ओ, ए बी सी डी ओ, ये फ्रेंड्स हमारे पास फेजिबल रीजन है इसका। अब फ्रेंड्स हम इसके ऑप्टिमाइजेशन वैल्यू निकालते हैं, मतलब मैक्सिमम निकालते हैं जेड मैक्स निकालने के लिए। सबसे पहले हम ये पॉइंट निकालते हैं, ये पॉइंट निकालते हैं, तो बी पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है हमारे पास, बी की जो हमें वैल्यू निकालनी है, ये बी की बी का पॉइंट निकालने के लिए ये बी पॉइंट हम देख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास ये कट रहा है, ये कट रहा है इक्वेशन नंबर फोर से, इक्वेशन नंबर फोर से कट रहा है ये यहाँ से, ये फोर से एंड इक्वेशन एक्स टू बराबर 60 पे कट रहा है। तो इक्वेशन नंबर फोर में एक्स टू बराबर 60 रख दिया, तो हमने ये आ गया 60 में 120 यहाँ पे रख सकते हैं हम, यहाँ पे रख सकते हैं एक्स टू बराबर हमने 60 रख दिया, तो ये हमारे पास एक्स वन प्लस टू एक्स टू इक्वल टू 160, तो एक्स टू बराबर 60 रख दिया, तो हमारे पास एक्स वन आ गया 160 माइनस 120 इक्वल टू 40, यानी कि इस बी के हमारे पास जो निर्देशांक आ गए वो आ गए, बी का पॉइंट आ गया हमारे पास 40 एंड 60। इसी तरह फ्रेंड्स हमारे पास हम सी के लिए जाते हैं, तो सी हमारे पास सी जो है हमारे पास ये सी बिंदु है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री से एंड इक्वेशन नंबर टू से कट रहा है। तो इक्वेशन नंबर थ्री क्या है अपने पास 5x1, अब सी के निकालते हैं, तो सी है 5x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 600, और ये हमारे पास है एक्स वन बराबर अपने पास है 80, तो 80 आ गया, तो ये आ गया एक्स वन बराबर 80, तो
8 × 5 400, 6x2 इक्वल टू 200, या x2 इक्वल टू आ गया मेरे पास 200/6, 100/3, फिर सी आ गया हमारे पास, तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 81/100/3। अब फ्रेंड्स हमारे पास सारे पॉइंट आ चुके हैं, तो सारे पॉइंट वो है, ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई, डी की आ गई 0, ए बी सी डी एम 0, हम सभी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हम ऑप्टिमाइजेशन वैल्यू जो निकालते हैं वो हम निकालते हैं जेड, सबसे पहले हम देखते हैं 0 0 पे कितना आ रहा है, पहले जेड मैक्स क्या है हमारे पास, जेड मैक्स बराबर हमारे पास जो दिया हुआ है फलन है वो है हमारे पास x1 + 2x2, ये हमारे पास दिया हुआ है x1 + 2x2। अब हम देखते हैं जेड 0 0 पे क्या आता है, फिर जेड 0 0 पे ये आ गया अपने पास 0 वैल्यू उसकी। उसके बाद अगला पॉइंट था हमारे पास बी पॉइंट था, बी पॉइंट के निर्देशांक थे 40 और 60, तो जेड 40 और 60 पे आ गया अपने पास 40 + 120 = 160, और जेड अब सी के निर्देशांक क्या थे अपने पास, सी के निर्देशांक थे 80 और 103, तो जेड सी पे अपना 80 और 100/3, इस पे आ गया हमारे पास ये आ गया 80 + 200/3, जो कि अपने पास हो गया 440/3, ये आ गया फ्रेंड्स। और हमारे पास अभी निर्देशांक एक और रह गया, ये अपने पास डी पे, जो डी पे क्या है अपने पास, डी के निर्देशांक अपने पास 0 और 80, 0 और 80, तो 0 और 80 पे हो गए 160। अब फ्रेंड्स इसको वो वैल्यू देख रहे हैं, तो ये अपने पास 146 point something आए। फ्रेंड्स इसी तरह हम इस बिंदु पर भी चेक करेंगे ये पे, तो 60 और 0 पे ये अपने पास 60 और 0 पे आ जाएगा अपने पास, 60 और 0 पे ये आ जाएगा अपने पास 120। अब फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन वैल्यू निकालनी है, ऑप्टिमाइजेशन वैल्यू जो मतलब जेड मैक्सिमम किस पर है, जेड मैक्सिमम 160 है, जेड 160 यहाँ पर भी आ रहा है और 160 यहाँ पर भी आ रहा है, तो जो ऑप्टिमाइजेशन वैल्यू है जेड मैक्स बराबर है अपने पास वो है जेड मैक्स बराबर 160, और जो पॉइंट है अपने पास वो है अपने पास एक तो 40 और 60, और सेकेंड है अपने पास वो है अपने पास 0 और 80, 0 और 80। फ्रेंड्स ये हमारे पास दो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास जेड की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, तो ये जो दो पॉइंट होंगे ये हमारे पास ऑप्टिमल पॉइंट है। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग एलपीवी, ये एलपीवी दी हुई है मिनिमम जेड इक्वल टू 2x1 - 10x2, x1 - x2 > 0, x1 - 5x2 < -5, x1 + x2 > 0, और साथ ही हमें पूछा गया है, वो पूछा है इज इट पॉसिबल टू फाइंड मैक्सिमम जेड अंडर दीज कंस्ट्रक्ट्स, मतलब ये हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है इनमें हम मैक्सिमम जेड निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। फ्रेंड्स हमें एक बात यहाँ हमेशा याद रखनी है, अगर हमारे पास जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो अनबाउंडेड है तो हमारे पास या तो उसका मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या दोनों ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास उसका मैक्सिमम निकाल रहे हैं मिनिमम भी हम निकाल रहे हैं, तो अगर ये दोनों चीज़ हम निकाल लेते हैं किसी का, हम मैक्सिमम निकाल लेते हैं मिनिमम निकाल लेते हैं दोनों चीज़ हम निकाल रहे हैं उसका, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो फिजिबल सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास एक फाइनाइट होगा। अगर हमारे पास इनफाइनाइट फिजिबल सॉल्यूशन है तो या तो हमारे पास उसका मैक्सिमम निकलेगा या फिर मिनिमम निकलेगा ऑब्जेक्ट फंक्शन, या दोनों ही नहीं निकलेंगे। अब फिर से हम ये करते हैं सॉल्व, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो हमारे पास इनइक्वलिटीज है ऐसे में क्या है इनको हम इक्वेशंस में चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर सकते हैं x1 - x2 = 0, इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं x1 - 5x2 = -5, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इसमें चेंज कर लिया हमने। अब हमें यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं फ्रेंड्स, तो x1 - x2 = 0 यानी x1 = x2, ये लाइन ये चलती है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन हो गई, और दूसरी हमने पास x1 - 5x2 < -5, तो इसके लिए हम x1 = 0 रख लेते हैं, x1 = 0 रख लिया हमने,
एक्स टू बराबर आ गया हमारे पास, वो आ गया 1। और अगर एक्स टू बराबर 0 रख लिया हमने तो आ गया एक्स वन बराबर आ गया -5, ये आ गया हमारे पास। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पास ये 1 एंड ये -5 पे कट करेगी, क्यों एक्स वन बराबर 0 पर एक्स टू बराबर 1 और एक्स टू बराबर 0 पर एक्स वन -5 है। तो ये इस तरह से हम लाइन बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम दोनों से एक्स वन बराबर एक्स टू रख देते हैं, हम एक्स वन बराबर एक्स टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, क्यों हमें इस पॉइंट के निर्देशांक चाहिए होंगे, क्योंकि या तो फिर फिजिबल सॉल्यूशन इधर होगा हम चेक करेंगे तब, या उधर होगा, या इधर होगा, या इधर होगा, किधर भी होगा हमें ये पॉइंट के हमें निर्देशांक चाहिए। तो इस पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम एक्स वन बराबर एक्स टू रख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये लाइन है अपने पास एक्स वन बराबर एक्स टू पर है, तो एक्स वन बराबर एक्स टू रख दिया, तो ये होगा एक्स वन माइनस फाइव एक्स वन इक्वल टू -5 या -4x1 इक्वल टू -5, तो ये आ गया x1 इक्वल टू 5/4। फिर x1 बराबर ये आ गया तो x2 बराबर भी यही आएगा अपने पास 5/4। इस पॉइंट का निर्देशांक वो होगा अपने पास 5/4। फिर ये हमारे पास इसके निर्देशांक आ गए। अब हम देखते हैं इसका फेजिबल सॉल्यूशन, जो फेजिबल रीजन होगा वो किधर होगा। अब फ्रेंड्स फेजिबल रीजन के लिए हम सबसे पहले एक्स वन माइनस एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लाइन है क्वेश्चन नंबर ये 1 की लाइन है, ये क्वेश्चन 2 की लाइन है। तो एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू 0 ये लाइन है, इसके हम इस लाइन के अलावा कहीं भी हम अगर कोई पॉइंट रखें, जैसे हम इस लाइन के अलावा हमने ये पॉइंट रख लिया, यहाँ पर रख लिया, यहाँ पर पॉइंट के निर्देशांक मान लिया हमने 2 एंड 0, क्योंकि ये एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष पे 2 और 0 होंगे और ये इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये पॉइंट होगा इस लाइन से अलग होगा कहीं पर। तो 2 और 0 को हमने सेटिस्फाई कराने की कोशिश की, तो ये आ गया एक्स वन इक्वल टू 2 और -0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 2 ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही है ये बात हमारे पास 2 ग्रेटर देन 0। तो इसका जो सॉल्यूशन आ गया, वो जो रीज़न आ गया, वो आ गया अपने पास, ये आ गया इसका रीज़न। फिर ये हमारे पास इसका रीज़न आ गया है। और दूसरी लाइन हमारे पास ये है, हमारे पास एक्स वन माइनस फाइव एक्स टू लेस देन इक्वल टू -5। फिर से हमारे पास लाइन ये लाइन है, तो ये मूल बिंदु से नहीं जा रही, सेंटर से होकर नहीं जा रही। अब फ्रेंड्स हम ये नहीं देखते कि ये दूसरे लाइन पे है, दूसरे लाइन पे हो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ देखना है उस लाइन पे हमें कोई पॉइंट नहीं लेना, इस लाइन के अलावा हमें कहीं पॉइंट लेना है। तो इस लाइन के अलावा हमने यहाँ पॉइंट ले लिया 0 0 ले लिया, तो इस 0 0 को हमने सेटिस्फाई कराया, तो 0 एंड 0 इज लेस देन -5 या 0 इज लेस देन -5, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका जो रीज़न होगा इस तरफ नहीं होकर के इस तरफ होगा, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये होगा। फिर इस तरह से इसका रीज़न होगा। और साथ ही हमारे पास कंडीशन क्या है, एक्स वन एंड एक्स टू ग्रेटर देन 0, तो इसका ये होगा, इसका ये होगा। अब फिर जो कॉमन सॉल्यूशन है अपने पास वो आ गया, इस तरह से आ गया हमारे पास कॉमन सॉल्यूशन आ गया, वो इस तरह से आ गया हमारे पास। अब फिर हम देख सकते हैं इस लाइनों को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, दोनों लाइनों को, इस लाइन को अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो ये जो फेजिबल रीजन होगा, एक तरफ से हमारे पास अनबाउंडेड आ गया, लेकिन दूसरी तरफ से बाउंडेड है, मतलब फेजिबल रीजन तो हमारे पास अनबाउंडेड है टोटली, ये हमारे पास फेजिबल रीजन अनबाउंडेड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ है हमारे पास या तो ये जेड मैक्सिमम दे रहा होगा या जेड मिनिमम दे रहा होगा, लेकिन दोनों नहीं दे रहा होगा। अब मिनिमम जेड निकालते हैं, हम पहले मिनिमम जेड निकालने की कोशिश करते हैं। तो जेड के जो पॉइंट है यहाँ पे, एक ही पॉइंट हमारे पास 5/4 एंड 5/4, ये इस पॉइंट पे हमने जेड की वैल्यू निकाली, तो जेड 5/4 आ गया, ये आ गया। फिर से हमारे पास 2 × 5/4 − 10 × 5/4, तो 5/4 कॉमन ले लिया, ये −8 − 2, ये आ गया फिर −10। अब फिर से हम ऐसा पॉइंट देखते हैं, ऐसा पॉइंट देखते हैं, अगर कोई पॉइंट हम यहाँ पे इसके अंदर लेते हैं या मतलब कोई फेजिबल पॉइंट लेना है हमें, उस पर अगर इस वैल्यू कोई कम हो गई हमारे पास, -10 से कम हो गई, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी मैक्सिमम वाली होगी, और अगर -10 से अधिक हुई तो ये वैल्यू होगी मिनिमम वाली। हमने यहाँ पर ले लिया एक्स वन बराबर, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया हमने, ले लिया एक्स वन इक्वल टू सॉरी 1 1 ले लिया हमने, जो इसी पर है और ये यहाँ पर है 1 1, क्योंकि 5/4 सॉरी ये तो इधर हो गया, 2 2 ले लिया हमने, 2 2 ये इसका पॉइंट है, ये जो एक्स जो पॉइंट हमने लिया है जेड पे, हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, कोई पॉइंट है 2 एंड 2, ये फेजिबल पॉइंट है, तो इस पे हमने इसको सेटिस्फाई कराया। तो जेड बराबर 2 2 पे कितना आ जाता है,
ये जेड बराबर 2x1 - 10x2 था, तो जेड बराबर ये आ गया 2 4 - 10x2 20। फिर से हम देखते हैं, जैसे 2 2 पे देख रहे थे, 4 - 20 = -16, जो कि इससे छोटा है। -16 है, ये -10 से छोटा है। तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे जो जेड मिनिमम है वो हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास जो जो इस पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू आई है, जेड मैक्सिमम आई है। जेड मिनिमम जो वैल्यू है अपने पास वो हमारे पास नहीं निकाल सकते, लेकिन जेड मैक्सिमम है वो अपने पास है। यहाँ जेड मैक्सिमम वैल्यू जो है अपने पास वो -10 है। और फिर से हम देख सकते हैं, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें हमें हमारे पास मिनिमम जेड पूछा था और पूछा था कि इज इट पॉसिबल टू फाइंड मिक्स मैक्सिमम जेड अंडर दिस कंस्ट्रक्शन। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो हमने देखा कि इसमें हम जेड मिनिमम हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि जेड मिनिमम हम -∞ तक जा सकता है, लेकिन जेड मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं। जेड मैक्सिमम हमारे पास -10 आ गया। इस तरह से हमारे पास इसमें जेड मैक्सिमम निकाल सकते हैं, लेकिन जेड मिनिमम नहीं निकाल सकते। थैंक यू फ्रेंड्स।